गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है संस्कृत पाठ प्रथम का मंगलम पाठ का भाग टू प्रथम श्लोक, जिसका आपका अर्थ है हिरण्मयेन पात्रेन सत्तस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग करवा दो, तभी सत्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। संधि विच्छेद, जिसमें आपका पहला है सतस्यापहितम। सतस्य जोर अपहितम, जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तत्त्वम, तत्त जोर त्वम, व्यंजन संधि के अंतर्गत में आता है। पुषन पावृणु, पुषन जोर अपावृणु, विसर्ग संधि है। सत्य धर्माय, सत्य जोर धर्म। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक ईशावस्य उपनिषद से संकलित किया गया है, जो मंगलम पाठ से उद्धृत है, जिसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान व्यक्ति भी उस सत्य की प्राप्ति को नहीं कर पाता है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस मोह माया से मन को हटवा दो, ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, दर्शन हो सके और मनुष्य बंधन से छूट सके। अर्थ, हिरण्मयेन सोने जैसा या पात्र जैसा, पात्रेन आवरण से सत्य का मतलब होता है सत्य का, अपहितम ढका हुआ, मुखम मुख से या द्वार से, तत् उसे या उसका, त्वम तुम या आप लोग, पुषण विद्वान या ज्ञानी, अपावृणु त्याग करवाना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर तथा कमेंट करना न भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।